पॉसिबिलिटीज विद सुजोग। हेलो माय हैप्पी सोल्स, मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पाइल्स एंड फिशुला के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पाइल्स एंड फिशुला यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, और कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए क्या करना है उसके लिए मैंने पूरे 3-3 वीडियोज अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर आपने मिस करे हैं, नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के साथ जानना कि हम ऐसा क्या करें कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो ही ना और ये प्रॉब्लम दोबारा से अराइज ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, पाइल्स भी 2 तरीके की होती है, वेट एंड ड्राई। कुछ लोगों को मोशन पास करते टाइम ब्लीडिंग होती है और कुछ को ड्राई पाइल्स होती है। तो दोनों तरीके की ही पाइल्स एंड फिशुला में ये ट्रीटमेंट वीडियो, ये सुजोग थेरेपी बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स देती है और अमेजिंग रिजल्ट्स देती है, और डे 1 से रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मिसेस सुनीता आप सबसे बात करेंगी, बताएंगी आपको कि कैसे वो परेशान थी और वो क्या क्या और ट्राई कर चुकी थी, कितना पेन था उनको चलने फिरने में, और कैसे सुजोग थेरेपी ने उनको डे 1 से रिजल्ट दिए, मिराक्युलस रिजल्ट दिए। और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, बताऊंगी आपको कि पार्ट 2 में मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा। आइए चलिए मिसेस सुनीता को सुनते हैं। आई एम सिटिंग विद माय फ्रेंड, शी इज सुनीता। सुनीता वांट्स टू शेयर समथिंग अबाउट सुजोग थेरेपी। सुनीता, आप थोड़ा सा ये बताओ कि आप किस ट्रीटमेंट के लिए आए थे? आई केम टू प्रीति मैम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स एंड फिशुला, व्हिच आई वाज मतलब इट वाज वेरी पेनफुल टू मी। आई हैड ऑल द मेडिसिंस, एलोपैथी, होम्योपैथी, एंड आई हैड दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, and it was so painful and it was not going away. So I saw Preeti ma'am's interview in Facebook and I contacted her. She sent her number and she gave me 4 sittings and I am very much relieved in pain, and now today is my 5th sitting with her. So Sunita, aap koi medication le rahe the iske liye? Isse pehle maine Augmentin li thi aur pain ke liye Wobran li thi, and from last 1 month I think I was taking Wobran in morning and evening and there was no relief in pain. But now with this therapy I have matlab there is a lots of relief and I am not taking any painkiller now. So what about that thing aap bata rahe the ki chalne firne mein bhi aapko pain hota tha? घुटने बैठने में भी पेन होता था, उसमें कुछ आराम आया है? पहले मुझे चलने में, मूवमेंट में इतना ज्यादा पेन होता था, पर नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ रिलीफ। मतलब मैं कह सकती हूँ अराउंड 25% ही रह गया होगा, और अब मेरे को काफी इम्प्रूवमेंट है विद 4 सिटिंग्स होंगी। एंड व्हाट वाज दैट ब्लीडिंग, जो आपको दोनों टाइम ब्लीडिंग हो रही थी और मोशन भी 2 बार आप जा रहे थे? अब मैं मोशन एक ही बार जाती हूँ और ब्लीडिंग इज वेरी लेस, इट हैपेंस ओनली तभी होती है, अदरवाइज वैसे ब्लीडिंग भी नहीं है। So from your side it is 70% cure, you say, in 4 sittings? Yeah, I can say that. Okay. And overall body well-being में कुछ change लग रहा है? Light लग रही है body, कुछ comfortable लग रहा है, energy level कुछ better लग रहा है? हाँ, सुजोग से मुझे सभी चीज में आराम आया है वैसे, और इसके बाद मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो इसके बाद मैं प्रीति मैम से साइनस के लिए भी ट्रीटमेंट लूंगी। थैंक यू सो मच सुनीता। फ्रेंड्स, सुना आपने मिसेस सुनीता को किस तरीके से सुजोग थेरेपी ने उन्हें आराम दिया और कितना रिलीव्ड वो महसूस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि सेकंड पार्ट में मैं क्या लेके आने वाली हूँ। तो सेकंड पार्ट में मैं वो सारा ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मिसेस सुनीता को दिया था, और घर बैठे वो ट्रीटमेंट आप अपने ऊपर कर सकते हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के अंदर भी विश्वास जगा सकता है, इस थेरेपी के प्रति एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, तो वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।